नना संपत सिंह उइका नवा पुणमाल नार जैतपुरी जिला बालाघाट सेवा जवाहर अव्वल बावल पेंट सेवा जवाहर सल्ला गांगरा परसा पेंट मुर्राल पेंट गंगार पेंट सजोर पेंट पुकरा लाड़ा सेवा जवाहर क्या तो ना अनि सेवा जवाहर नवा सेलार तम्मू उंडे ग्रुप ते वाय सगा चेरुई पाड़ील कुनु नना नेंड पाना पारसी वडुक ता उत्पत्ति तुन मिकुन वहती का इदु पाना पारसी बती आंदुन यह पाना पारसी शब्द क्या चीज़ है तो इसके लिए हम सबसे पहले आजकल आम बोलचाल के तौर पे गोंडी भाषा कहा जा रहा है इसे गोंडी भाषा अगर हम गोंडी भाषा की उत्पत्ति में जाएं तो गोंडी भाषा कहीं ना कहीं प्रकृति की आवाज़ से उत्पन्न हुई आवाज़ है जिसे हम गोंडी भाषा के रूप में दिए पाना और पारसी पाना का मतलब होता है जिस तरह से ओना ताना उसी तरह से पाना मतलब होता है स्वयं का तन्नाई पंछी कुन अभियाना पाना और पारसी का मतलब होता है बनना या निर्माण होना तो ये शब्द है स्वयं द्वारा उत्पन्न होकर हमारे तक पहुंची गई जो आवाज़ है वो पाना पारसी काफ़ी लोगों के द्वारा इस संबंध में पूर्व में कह रहे थे कि पाना पारसी हमारी गोंडी बोली नहीं है लोग अनावश्यक गोंडी बोली को पाना पारसी में कन्वर्ट कर रहे हैं इस तरह से मैंने पहले कई बार सुना है लेकिन अगर आप गोंडी बोली के तह तक जाएंगे हर शब्दों के तह तक जाएंगे तो आपको पाना पारसी ही मिलेगी बाकी उसको बाद में हम किसी जाति समूह में बांट दिए अपनी जो गोंडी बोली है अगर पाना पारसी करें तो पाना पारसी सब एक स्वतंत्र रूप से प्रकृति निर्मित है अगर उसको हम गोंडी भाषा कहते हैं तो वह अपने गोंड समाज के हित के जबकि भाषा स्वतंत्र है भाषा को कोई भी व्यक्ति बोल सकता है हाँ सबसे पहले मैं गोंडवाना दर्शन के संपादक पेनवासी पेनजीवा सिंह सिंह ताराम दादा तुन सेवा जवाहर क्या ना इनका ही देन है जो 1983 में गोंडवाना सगा एवं 1985 में गोंडवाना दर्शन के संपादकी कर गोंडवाना को रास्ता दिखाया और गोंडी गोंडवाना तुन उंडे नोड़े ते दोहतुर इताल जीवा तुन नावा तलासार सेवा जोहार अनि सेवा जोहार क्या ना दादा मोतीराम कंगाली अनि दादा सुनेर सिंह ताराम तुन अनि गोंडवाना बतीते हीरा सिंह दादा आज की स्थिति में अगर हम भाषा में जाएं भाषा के तहत तक के जाएं तो हमारी भाषा एक स्वतंत्र है इसे हम प्रकृति से आसानी से ले सकते हैं इसमें अपन कोई भी शब्द निर्माण कर सकते हैं मैं आज वैसी कोई एक शब्द की उत्पत्ति बता रहा हूँ आपको आप इस तरह से अपने भाषाओं को समझ सकते हैं जैसे कि आपने सुना होगा कि हिंदी में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो रोता है तो ये हिंदी में एक क्वेश्चन किया जाता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो रोता है जिसको हमारे सगाजन या फिर हमारे उत्तरदाता भालू कहते हैं वास्तव में अगर हमारी बोली के हिसाब से हम देखें तो भालू को हम अड़जा कहते हैं अड़जा क्यों कहा गया तो इसकी उत्पत्ति हम जाएं तो पाना पारसीगत रूप में जो प्रकृति से निर्मित जो शब्दावली है तो अड़ना मतलब होता है रोना जा मतलब होता है किसी चीज़ को तले दबाकर जो आवाज़ उत्पन्न होता है अड़ जा मतलब हम किसी जानवर को खूंदने के बाद जो उससे आवाज़ उत्पन्न होती है निकलती है तो रोने की आवाज़ होती है तो भालू में प्रकृति है
एकदम अब अब करने की, तो ये मतलब एक रोता है। अब शब्द देखें कि आप अब कहाँ से आया, तो उसकी जो प्रकृति अब मतलब यहाँ पर आ शब्द अपनी माँ अव्वा के लिए है और बा शब्द पिता के लिए है, तो वो उसका नेचर है अब इस तरह से उसका नेचर है। मतलब भालू को किसी ने नहीं सिखाया कि अब कहे या फिर अब कहे, वो नेचुरली नाम है उसका कि अर्जा। हमारे पूर्वजों ने कितना सोच समझ के भालू का नाम रखा होगा अर्जा, मतलब ये तह समझने के लिए कि अपन कितना पाना पारसी को तह तक समझ देते हैं, उसकी जो उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई कैसे हुई। आज फिर मैं अगर वैसी हम चले तो पाना पारसी शब्द की उत्पत्ति मूलतः पाना पारसी और पाना पारसी भावात से हुई है। पाना पारसी के रूप में हम अगर देखना चाहें तो एक शब्द ले लें हम पाना पारसी के रूप में, कौर मीन्स मुर्गी। मुर्गी से जो उत्पन्न आवाज़ है कौर 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 कौर, ये एक प्रकृति रूपी है, उसे किसी ने सिखाया नहीं है, तो इसको हम पाना पारसी कहेंगे। उसी तरह मुर्गा की जो बाग निकलती है ताना पुसीना घोघोटी, तो घोघोटी तो हम उसी से उसको नाम दिए घोघोटी, तो ये पाना पारसी है। उसी तरह से हम अगर पाना पारसी भावार्थ में चले जाएं, पाना पारसी भावार्थ में चले जाएं तो इसमें जो अर्जा वाला मैंने उदाहरण दिया था अभी वो इसी में भावार्थ में है, जिसमें अपने अव्वा बाबो का भावार्थ निकाल के जो भालू रोता है उसी से अपन उसको अर्जा कहें हैं। इसी तरह से हम पाना पारसी में और एक शब्द है लिंगो, ये भावार्थ शब्द है लिंगो। लिंगो को हम पाना पारसी के नज़रों से देखें तो दूर तक विचारधारा रखने वाला, दूर तक विचारधारा रखने वाला लिंगो। वैसी जंगो एक जैसे पुरुष के लिए लिंगो शब्द उत्पन्न हुआ है, उसी तरह लिंग जंगो शब्द एक महिला के लिए उत्पन्न है, तो इसमें भी वही है कि एक विचारधारा को दूर तक पहुंचाने वाले व्यक्ति, जिसको हमने उपाधि के रूप में लिंगो दिए। अब इसी तरह से अगर हम पाना पारसी रूप में एक नवजात बच्चा को देखें, उंडी गेदाल छुआतुन, उंडी गेदाल छुआता जो प्रथम जो स्वर उत्पन्न होता है उस पर आ शब्द का उत्पन्न होता है, आ से माँ तक के पहुँचने के लिए बच्चा आ शब्द जो पेट से उत्पन्न करता है उसके द्वारा वायु से संलग्न करके माँ तक के पहुँचाता है, मतलब अपने अरिल बोले तो काश हिंदी में कहे तो थन, अपने माँ के थन तक के पहुँचाने के लिए उस वह अव्वा शब्द का उपयोग करता है। यहाँ पर देखें ये एकदम पाना पारसी है, पाना पारसी आ से लेके वा से संपर्क होकर पुनः वो आ तक के पहुँचता है, मतलब माँ से संपर्क करने के लिए उसने अव्वा शब्द का उपयोग किया बच्चे ने। तो अगर हम इसी शब्द को गोंडी भाषा के रूप में कहें तो शायद अपन कह नहीं पाएंगे, इसके तह तक अपन नहीं पहुंच पाएंगे। इस तरह से हम अव्वा शब्द से पहुँच समझ सकते हैं, और इसी तरह से किसी जानवर को हम देखें, किसी जानवर जैसे एक समान दो जानवर जैसे एक बोदा है और एक भैंस है। अब भैंस को हम पाना पारसी में अड़मी कहते हैं, अड़मी कहें या इर्मी कहें, अर्मी कहें या फिर इर्मी कहें, उसी तरह भैंसा भैंसा को हम पाना पारसी में बोदा कहते हैं। अब इसमें दोनों जानवर सेम है लेकिन दोनों को अलग अलग कहा, पुरखों के द्वारा अलग अलग कहा गया, अलग अलग कहने का मतलब ये रहा इनमें कि दोनों को एक ही नाम तो दे नहीं सकते, इसलिए बोदा की प्रकृति है किसी चीज़ को देखकर या किसी चीज़ के तरफ आगे बढ़ने के लिए वो पहले बोर्क इंजिकुन दानता, मतलब बोर्क चिल्लाकर वो आगे की ओर दौड़ता है, तो इसमें अपन बोदा मतलब बोर्क मतलब कौन हो, उसके बाद फिर दौड़ना चालू करता है।
या फिर किसी डर के कारण अगर बूंदा आगे बढ़ेगा तो वो भी वही शब्द उत्पन्न करेगा, बोर्क 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 बोर्क, मतलब होगा अपने पाना पारची में कौन रे उसके बाद फिर आगे भगता है, आगे भगता मतलब बोदा, बोर्क बोर्क जिकुन दानता, तो ये बोदा। उसी तरह से हम अड़मी, अड़मी मतलब भैंस, भैंस का नाम हमने दिए अलग, भैंस का नाम कैसे दिया अलग कि जब पानी में भैंस जाकर गिरती है एकदम दंत से, तो वो यहाँ पर अर शब्द उसके लिए हुआ कि मतलब वो दंत से जो बैठती है उसके लिए अर, और मी शब्द यहाँ पर जो तैयार हुआ इसके लिए मीडना, मीडना मतलब इधर से उधर, इधर से उधर लौटना। तो इस तरह से हम यहाँ से वहाँ लौटने के लिए अरमी शब्द को उपयोग किया है भैंस के लिए। तो मेरे ख्याल से पारंपरिक उत्पत्ति शब्द काफ़ी हद तक के हम लोग समझ गए होंगे, और इसको हम स्वतंत्र रूप में ही लें, हम किसी भाषा इस यह भाषा को किसी कहना चाहिए व्यक्तिगत या सामाजिक रूप में न बांटें, भाषा स्वतंत्र है, कोई भी बोल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे कि जाति समाज के रूप में। वैसे ही हम और एक जानवर है, ऐसे प्रायः जानवर हैं जिनसे हमको हर एक नया शब्द मिलता है, जैसे कुत्ता है, कुत्ता कुत्ता से हम लोगों ने आदिकाल से प्रश्न करना सीखा है, कुत्ता हमसे प्रश्न करता रहा है, उसने स्वागत भी किया है प्रश्न भी किया है, तो हमने कुत्तों जो जानवर है कुत्ता उससे हम लोग प्रश्न करना सीखे हैं। प्रश्न करना कैसे कि बो 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 मतलब बोर के कौन कौन, इस तरह से हम लोग कौन कहाँ कब कैसे ये शब्दों को हमने इस्तेमाल किया है। आप भी इसे कुत्ते के सामने बैठकर आकलन कर सकते हैं, उसकी आवाज़ जैसे हम लोग दूर रहे तो उसकी आवाज़ अलग आएगी कि भोर 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 मतलब कौन हो, थोड़ी पास में आ गए तो भ मतलब कैसे कैसे, फिर वैसे उसी तरह से बाहुन बाहुन, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कुत्ते से, मतलब जितने हम पांच हैं क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में, कौन कब कहाँ कैसे, ये जो शब्द हैं अपन कुत्ता से सीखे हैं, उसी तरह हम हर जानवर से कोई ना कोई शब्द सीखे हैं। जैसे हम लोग स्वर शब्द है तो एक नवजात बच्चा सीखे हैं, वैसे हम लें जैसे एक नवजात क्या कहें बछड़ा, मतलब जन्माया हुआ बछड़ा जिसकी आवाज़ जिसको हम पहिया कहते हैं। अब यहाँ पर पहिया शब्द को समझेंगे तो जो बछड़े की आवाज़ जो उत्पन्न होती है तत्काल, तो पेया इस तरह से उत्पन्न होती है, तो हम लोगों ने उसका नाम उसकी नेचर के हिसाब से वहीं पर हम लोग पहिया दे दिए। इसी तरह हम अगर हर शब्दों को समझें जाने तो हमें हमारे शब्दों से कोई भी अलग नहीं कर सकता है, वैसे हर व्यक्ति को हमारे शब्दों को पहचानने के लिए आना ही चाहिए। हम अगर गोंडी बोली बोल रहे हैं, आप हो जिसको थोड़ा बहुत भी आ रहा है, अगर एक शब्द को इतनी गहराई से जो व्यक्ति समझ गया कैसे प्रकृति से यह शब्द उत्पन्न हुआ है, तो वह व्यक्ति दोबारा उस शब्द को नहीं भूलेगा। हमें सीखने के लिए थोड़ी सी उत्सुकता चाहिए और थोड़ी सी समाज का भी सहयोग चाहिए, मतलब समाज है सामने, तब हम एक दूसरे से वार्तालाप करके भाषा को सीख सकते हैं। जो किसी भी इस भाषा की भाषा को थोड़ा बहुत उत्पत्ति से ही जानता है तो सामने तक के एक दूसरे को आदान प्रदान करें, जिससे उत्पत्ति को समझकर हम आने वाली पीढ़ी को बता दें कि हमारी शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। मैं एक छोटा सा गांव जैतपुर से हूँ, जहाँ पर जहाँ पर 50-60 मकान हैं, वहाँ पर प्रायः आज से 10 साल पहले टोटल पाना पारसी बोली जाती है, कुल पाना पारसी बोली जाती है, लेकिन आज इतना विलुप्त कगार में आ गए कि वहाँ पर कहना चाहिए 45% लोग ही पाना पारसी मतलब गोंडी भाषा बोल रहे हैं। इसी तरह से हमने आसपास के क्षेत्रों में मैंने जैसे आकलन किया कि वहाँ आज से जो 40 साल के व्यक्ति हैं, 40 साल के ऊपर वाले हैं वो तो बोल रहे हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 40 साल से नीचे हैं वो इन चीज़ों को नहीं बोल रहे हैं। और साथ में जैसे मान लो कहीं
बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं तो कभी कभी मजाक बना दिया जाता है कि भाई ये तुम कौन से भाषा बोल रहे हो, हमको समझ नहीं आता, ऐसे भाषाओं का अपने हमारे सामने उपयोग मत करोगे। तो काफ़ी कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं तो इसमें हतोत्साहित होकर नहीं बोलते बच्चों के साथ, जो उस क्षेत्र की बोली है, भाषा है, उसी से सम्मिलित होकर बोलते हैं। मैं ऐसे युवक अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप कभी इस तरह से बुजुर्ग या जो बोलता है उनके साथ व्यवहार ना करें, ताकि सामने वाला हतोत्साहित होकर भाषा को छोड़े ना। हम लोग इस भाषा को अगर व्यावसायिक रूप में, जैसे अन्य समाज के लोगों ने अपने भाषा को व्यावसायिक रूप में लिया है, उसी तरह से हम लोग अगर इस भाषा को व्यावसायिक रूप में लें, हम लोग अपने ही लोग मिलकर कहीं भी मार्केट में हो, दुकान में हो, जहाँ भी जाएँ, अपने मोल भाव करें इसी भाषा से, तो और ज़्यादा हम लोगों की खरीदारी में सुधार आएगी और इस भाषा को सामने वाला समझ नहीं पाएगा। हम लोगों ने दुकानदारी में तो पूर्णतः इस भाषा को छोड़ दिए, शर्म के मारे हम लोग बोल नहीं पाते। तो मैं फिर अगला उदाहरण के रूप में मैं आपको पेश करता हूँ। ऐसे कोई जानवर, ऐसे तो लगभग सभी जानवर हैं जो हमें पानापारसी के रूप में हर सबको उत्पन्न दिया है। इसमें कोई बात नहीं है ऐसे कि किसी जानवर से हमको नहीं मिला है, हर शब्द हमने प्रकृति से सीखा है। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ पुनेम शब्द, जिससे हम लोगों ने कई बार सुना है कि पुनेम मतलब सत्य मार्ग पर चलना, ऐसे सत्य को सत्य मार्ग पर चलना कहते हैं। लेकिन अगर मैं पानापारसी के हिसाब से अगर देख रहे हैं, अगर हम इसको पानापारसी के हिसाब से देख रहे हैं, तो पुनेम का जो अर्थ होता है पुकराल, पुनेम शब्द जो बना है, प्रति शब्द जो ने है, और उसके बाद अंत का शब्द मा है। ने का मतलब होता है नेंगताल, नेंगताल नियम से, पुकराल नेंगताल मा से होगा मंदानवाड़े, मतलब प्रकृति के नियमों में रहने वाला व्यक्ति, प्रकृति के नियमों में रहने वाला व्यक्ति पुनेम होगा पानापारसी के हिसाब से। तो पुणे मतलब और ये बात सही है कि हमारे जो भी नेंग नियम हैं, शादी ब्याह कुंडा टुंडा मुंडा, ये सब व्यवस्थाएं हमारी जो है प्रकृति के हिसाब से, एक तो तिथि के लिए हम लोग प्रकृति पर उधर प्रकृति मतलब चंद्रमा के ऊपर निर्धारित आधारित है हमारे नेंग दस्तूर, अपना पाबुन हो गए, पंडुम हो गए, तो ये सब हमारे पुनेम पर आधारित हैं। पाबुन और पंडुम शब्द जो उत्पत्ति बना है किसी चीज़ की पकने पर किया गया त्यौहार, उस फसल या कोई मतलब उस तिथि, मतलब चंद्रमा का भी पकना होगा और उस फसल का भी पकना होगा, उस तिथि के लिए नियत किया गया पाबुन, उस पंडुम। तो पंडुम शब्द हमारे ये रहा, पाबुन शब्द ये रहा कि हम चंद्रमा देखें, उसके बाद पाबुन शब्द मतलब जिसको अपन हिंदी में कहें तो शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में जो हमारे मर्मिंग नेंग जो भी मतलब शुद्ध गाय के रूप में पर मानते हैं, तो ये हुआ। और चंद्रमा पका उस बार पकने के तौर पे माना जाता है पाबुन और पंडुम। इस तरह से हमको हमारे त्यौहारों को पहचानना पड़ेगा। हम लोग अब भी जो है तो अन्य धर्मों के तीज त्यौहारों तिथि पर निर्भर हैं, कैलेंडर की तिथि पर निर्भर हैं, जबकि हम लोग, हमारे पूर्वज लोग सिर्फ चंद्रमा को देख के बताते हैं कि हम लोग कुना पुंडल वंजिंग लेंगे इतिहा तिंदाले की, अध्याह तिंदाले की गाढ़ा पुंडल लेंगे इतिहा तिंदाले अध्याह तिंदाले और यूँ ने आसिया बताते नलिन हुड़ती कुन पूरो वेंदुड़ इंदे के अमोट, तो कैलेंडर हुड़ तुम कैलेंडर हुड़ती कुन की बद्दी हाँ वायल इंदे के बताते माने माए तुम डेटा बतीन को तान जन्मदिन जन्मदिन लाए तो अपनों ना बतीते उंडी दिया ते वाय ता पुनाल नेंग परोल नेंग ते परोल नेंग अने अपन चात्मो बत्ती सेवादार हैं जी कौन जब बच के ने पुनाल वंजिंग नेंग या पुनाल गाड़ा नेंग तीन तो साल ते रंड बार उंडी सावरी ते रंड बार अपन इधलाए चात्मो कि अपनों ना जो भी सेवादार मंदोर मतलब जो जीता जागता इंसान है, जो अपने पैरों का पूजा पाठ करता है उस रूप में,
पर अपने जो समाज में है व्यवस्थाएं है ये यहाँ पर जन्म तिथि वाला अलग से घुस गया है और इसको हम कोई भी डेट एनीवे कभी भी कर सकते हैं। तो ये हमको कहीं ना कहीं समाज से थोड़ा हट के अपन परंपराओं को अपने समाज में लागू कर रहे हैं। आने वाला जो भविष्य है हमारा वो इसी तरह से फॉलो करेगा इसे कि हमारे जो पूर्वज थे कि जन्मदिन मनाते थे उसके बाद ये चलता रहेगा। और इसी तरह से देखें तो एक चीज़ प्रकृति नुमा, जैसे मैं भाषा संकलन करता उससे इस संबंध में कह रहा हूँ, जैसे हम लोग भाषा मतलब गोंडी भाषा पाना पारसी संकलन कर रहे हैं तो अपन सीधे किसी हिंदी शब्द का मतलब हिंदी शब्द का गोंडी में अनुवाद कर देते हैं या फिर अंग्रेजी शब्द का सीधे गोंडी में अनुवाद कर देते हैं। तो इसमें पूर्ण रूप से जो हमारे भावात्वादी शब्द हैं वो बदल जाते हैं इसमें कि हम पूर्ण रूप से अपन तैयार नहीं कर पाएंगे। जैसे इंद्रधनुष को बहुतायत क्षेत्र में पिरबिल कहा जाता है। पिरबिल, पिर मतलब होता है बारिश और बिल मतलब होता है धनुष। अगर इसमें बिल शब्द का उपयोग जो शब्द का उल्लेख पानपारसीगत रूप में देखें तो बिल का मतलब होता है लचीला, जो बगे आशिया तो मतलब अपन उसको हल्का मोड़ सकते हैं। तो ये बिल शब्द है। अगर फिर बिल में अगर इसको उपयोग कर रहे हैं दोनों को मिला के फिर बिल इंद्रधनुष के रूप में तो हम लोग कहना चाहिए उस रूप में नहीं पहुंच पाएंगे जो हमारा पाना पारसी कहता है, क्योंकि इंद्रधनुष लचीला नहीं होता। तो इसके लिए मैंने बड़े दादा से बहुत पहले यही शब्द संकलन कर रहा था। इसी दौरान मैंने बड़े दादा से प्राप्त किया भमरागढ़ क्षेत्र में, वैसे मैं मेरा जन्म स्थान भमरागढ़ जगदलपुर क्षेत्र ही है तो वहाँ पर मैंने काफ़ी रहा है। तो वहाँ पर अपन कहते हैं पीर फर्रास मतलब पानी के दौरान जो फैलाव एक उत्पन्न होता है जिस पीर फर्रास और वहाँ से जो नीचे तक दिखाई देता है फर्रास, पीर मतलब बारिश, फर उसके बाद आस होता है, फर्रास मतलब नीचे तक के लिए आता है आस शब्द और अपने फर्रास के लिए फैलाव के लिए आता है तो पीर फर्रास। तो इसी तरह से मैं कहूँगा कि जो भी अगर आप नया शब्द बना रहे हैं तो उसमें पहले अपना भावार्थ देखें, भावार्थ की ये शब्द अपने पाना पारसीगत बैठ रहा है या नहीं, तभी उसको अपन दो चार लोगों जो पाना पारसी बोल रहे हैं या पाना पारसी कहें या गोंडी बोली कहें जिसे बोल रहे हैं उन लोगों से संपर्क करें, उसके बाद ही शब्द का निर्माण करें। नहीं तो अगर हम ऐसे अनुवाद के रूप में करेंगे तो हमारे जो शब्द हैं वो गलत हो जाएंगे। तो उसी तरह से कहना चाहिए अपना जो फिर बिल शब्द है, फिर बिल जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द हमने जैसे आंसू है, आंसू को आमतौर पर मैंने देखा है लोग कनेर कहते हैं। आंसू और कनेर में काफ़ी अंतर है। हिंदी शब्द आंसू है, कनेर का हम हिंदी अनुवाद करें तो आँखों का पानी और आंसू में काफ़ी अंतर है। पानी में खारापन नहीं होता और आंसू में खारापन होता है। तो इसके लिए जो उपयोग होता है सऊर, जो सवर है, जो नमकीन शब्द के लिए जो शब्द बना है सऊर, तो इस तरह से हमारे जो पाना पारसी मूल शब्द है सऊर तो इस तरह से उत्पन्न करें कि अगर हम कहें कि सामने वाले ने कनेर बोला तो पहले उसको देख लें कि वास्तव में कनेर है या फिर सऊर है। कनेर को मतलब पानी नहीं है अपना आँखों का पानी, आँखों का पानी एक अलग है और सऊर एक अलग चीज़ है। बड्डे दादा आंसू को कनेर कह रहे हैं, लेकिन कनेर का उपयोग बड्डे दादा अपन अनुवाद करें पाना पारसीगत तो आँखों का पानी हो रहा है कनेर का मतलब। तो उसे हम लोग मतलब मैंने वैसे ज़्यादा कोई किताब विताब तो नहीं पढ़ी है, मैंने बुजुर्गों से लिया है तो इसे सऊर कहा गया है, जिसे अगर कहें तो मतलब नमकीन के लिए उपयोग हुआ है। तो मैं आपको मतलब मैं ऐसे शब्दों गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य के लिए अपने लिए कि अपने पीढ़ी को एकदम डायरेक्ट अनुवाद कर दे तो फिर दिक्कत होगी। और अंत में फिर अपन अपनी जो संस्कृति है मिजान व्यवस्थाएँ, तो मिजान जो भी है हमारे आज के स्थिति में हमारे जो निंगी हैं
नेंगी हमसे काफ़ी, मतलब कोयतूर समाज से नेंगी हमारे बहुत दूर चले गए हैं, उन्हें भी एकत्रित करना है। अपलोनोर पानाल मंदोर, भूमकाल मंदोर, ओझल मंदोर, ढीमर मंदोर, ये हमारे नेंगी हैं, ऐसे 12 नेंगी होते हैं, इनको हमें साथ में समेटना भी है। इन्हें हम अलग ना समझें, ये हमारे ही कहना चाहिए अतीत पुरखों के एक कहना चाहिए हिस्सा है और हमारे भी हिस्सा है। इनके बदौलत हमारी जो मिजान है अभी तक की हमको देखने को मिल रहा है, अगर ये नहीं होते शायद हम लोग मिजान कहीं कुछ हद तक के छोड़ चुके होते। तो इन्होंने जैसे पाना मतलब प्रधान है, इन्होंने अपनी जो पाटालीर है, मतलब हमारी जो पाटा संबंधी जितने भी हैं, तो पाटालीर ने हमको बचा के रखा है, इनने हमें अभी तक के दिया। अब कभी कभी हम लोग कभी कभी नहीं प्राय हम नना अगर नना वड़की का पाना पारसीताल प्रधान तुनते नना पाना इनका पाना बाड़ी इनते नना कि और पंसी को बतीते अपनो लाल लंबेज लंबेज टंडितोर पानाल कीकरी ताल ते तो उन्हें पाना इन तोड़। ये मतलब स्वयं द्वारा जो आवाज़ उत्पन्न करके अपने तक पहुँचाते हो पाना। तो यहाँ पर अपने पाना है, फिर ओझा है, ढीवर है, हमारे गोंड लोहार है, गोंड बैगा है, भारिया है, ये हमारे ही हैं, इनके भी सरनेम हमारे ही जैसे हैं। ये इनके भी गढ़ों की अगर हम लोग उत्पत्ति देखें तो वही गढ़ है, इनके भी हैं, लेकिन थोड़ी कुछ कार्यवश रोटी बेटी में थोड़ा सा फासला हो चुका है, जिसको हमको कुछ कहीं ना कहीं सभी सगा समाज के लोग बैठ के इसका समाधान करना चाहिए। नहीं तो भविष्य में ऐसा ना हो कि हमसे वो अलग हो जाए और हम उनसे अलग हो जाए और कभी कहें कि हमारे नहीं है, तो काफ़ी दुख की घड़ी आएगी हमारे साथ। तो इन्हें हमें बिल्कुल अपना के ही चलना पड़ेगा, और जो भी हमारे जो नेंगी हैं इस वक्त सुन रहे हैं वो हमसे अलग ना माने, उनके बदौलत हमारी जो परंपराएं बची हुई है, हम उनके बगैर हमारी जो मतलब नेलकी का कार्य हमारा का नहीं चल पाता ना। अगर हम लोहार से कराते हैं, बैगा से हम पेंजियल काम कराते हैं, ऐसे बहुत सारे जो नेंगी हैं हमारे जो आजकल आ भी नहीं रहे ना, दिख भी नहीं रहे, जो एकदम छोड़ चुके हैं। मैं पहले जो बचपन में था तो मेरे घर पानल भी बांधुर, ढिमडाल भी बांधुर, बैगाल भी बांधुर, ये एक परंपरा जो चलती थी वैसे वैसे धीरे धीरे ये आना बंद कर चुके हैं। तो ऐसा ना हो कि हम लोग इन्हें कहना चाहिए मान सम्मान कम कर दिया। कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है कि हम लोग कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ तो कुछ गलत हुआ है, जिससे मतलब इतना कुछ तो मेरा एक ही राय है कि ज़्यादा इनके साथ गलत ना हो, ये अपने ही अंग हैं। संध्या दीदी सेवा जवाहर आपने किया है, ध्रुवे साध्य वालों का टोटम क्या है? टोटम तो मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन ध्रुव का मतलब होता है अग्रवाहक, ध्रुवाल मतलब होता है अग्रवाहक होता है। तो कहीं ना कहीं आप पहले व्यक्ति हैं जो सामान्य हैं इस मतलब टोटम के हिसाब से ध्रुवाल आंदेटी मारते अपन अब बत्ती इंतकार ध्रुवाल बोले तो इमाट बच के नहीं के जी मंदिर नीट भी बतते धुरा जो पहले रहता है उसको ध्रुवाल कहते हैं हम लोग गोंडी बोली में। आप भी काफ़ी हद तक गोंडी बोलते ही हैं शायद, हम लोग एक ही मतलब पास पड़ोस के रहने वाले हैं काफ़ी, मैंने आपको भी गोंडी बोलते हुए पहले देखा था। मैं फिर आप कमेंट में मैं आपको बताऊंगा किसी से जानकारी लेकर ध्रुवे टोटम के बारे में। और इस तरह से हम आगे और देखें तो दीदी छोर को धुरा नहीं कहते, छोर को पिजाट कहते हैं। धुरा एक अग्रवाहक मुखिया के, हाँ बड़े दादा बोल रहे हैं मुखिया, हाँ तो ये सही है, अग्रवाहक के रूप में आप मुखिया के रूप में ले सकते हैं। मैं देख रहा हूँ दीदी का ऐसा मैंने
दीदी आपने लिखा है कि लोटा कासा थाली, हाँ मैंने भी देखा है, लेकिन हम ऐसे आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति रूपी हैं तो उतना खास नहीं, हम लोग तो जहाँ खड़े हो जाए वहीं पूजा पाठ कर सकते हैं जैसी स्थिति में वैसी स्थिति में, लेकिन पहले अपने को घर चौखों महलों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। थाली कासा तो हाँ अगर नहीं है तब की स्थिति में तो करते ही हैं। मैंने मेरे एक मामा जी हैं जो पूजा पाठ कहीं से भी कर देते हैं, जैसे जहाँ खड़े हुए वहीं से अपने प्रेम पुरखों को। हाँ एक चीज़ अपने इसमें ध्यान दे योग्य है गोंड समुदाय में कि पूजा सिर्फ मुख्य रूप से दो ही दिशाओं में की जाती है। पहले सजोर प्रेम के लिए पूर्वादाउन यानी सुरूर प्रेम कलाए पश्चिम दिशा, तो मतलब दिन अपन पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके अपने दो दाऊद आई हैं जो घर में मानते हैं या फिर पेन कुरिया में मानते हैं, तो इसके लिए अपन पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जो सजोर पेन के लिए भोर मुर्गे की बाग होती है घोघोटी तक उसी ना अचुर भी रहते अपनों ना सजोर पेन तब वाइना बनता, तो सजोर पेन का वाइना बनता ये अपने जीवन चक्र को महत्व देता है कि हम उस दौरान उठें और उसी दौरान से अपना जो तैयारी है जीवन काल की जो अपने दिनचर्या की अपने मेहनत की ये चीज़ करें। इन क्षेत्रों में वैसे अगर टॉपिक लें तो बहुत अच्छे से चर्चा हो सकती है, लेकिन पानापारसी ज़्यादा आज की सभी अगर ऐसे कोई हमारे सगाजन हैं जो शेर भी हैं उनको अगर पानापारसी संबंधित अगर कोई शब्द के संबंध में जानकारी लेने के लिए उत्सुक हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। और हाँ मैं बताऊँ इन सब चीज़ों के लिए विशेष योगदान, मतलब हमने जो मैं 3-4 वर्षों से यह कार्य कर शब्दों को खोज रहा हूँ ढूंढ रहा हूँ निकाल रहा हूँ, तो इन इस मतलब संकलन में मुझे काफ़ी सहयोग बड्डे दादा का रहा और सगा सगुम आदि संस्था भोपाल के पदाधिकार अपने बाली दादा बुढ़ापे दादा पी एस मेरावी जी ईश्वर मस्कोले जी और हमारे पूरे लगभग सगा सगुम समुदाय का विशेष महत्व रहा। उन्होंने हर नेंग सेंग में जान को इन चीज़ों में उल्लेख किए, उन्हीं से ही हमने मतलब इन चीज़ों के बारे में संकलन करना सीखे और अभी आगे बढ़ रहे हैं। दीदी बोल रहे हैं मेरे पहले प्रश्न पर गौर कीजिए, ऐसा दीदी कासा में कभी कभी ऐसा होता है कि उसको कसी आयता कहते हैं, तो शायद हो सकता है कि उसके कारण अगर उन लोगों ने मना किए हों, बाकी कचिया के कारण उससे गुंगो नहीं करते। वैसे मेरे यहाँ काफ़ी हद तक के उपयोग काफ़ी चीज़ों से मतलब हमारे जो माता पिता हैं इन लोगों ने कभी गरसोली नहीं पहना मांग नहीं भरा, हम लोग कभी कुमकुम सिंदूर का उपयोग नहीं किए, अब भी नहीं कर रहे हैं, हमारे सजोर पैर में अब भी ये चीज़ नहीं चल रहा। कासा थाली तो हमारे यहाँ चल रहा है, बाकी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है कासा थाली के बारे में, लेकिन आज भी वो स्थिति है कि हम लोग जहाँ भी पेन कुरिया में अगर हम जा रहे हैं तो जो हमारे मातृशक्ति हैं सिंदूर बिंदी चूड़ी काली चूड़ी वगैरह पहन के नहीं जाती हैं। और बड्डे दादा गोंडी कल्चर के बारे में पूछ रहे हैं आप, तो
मैं तो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ ही देखा हूँ कल्चर, गोटुल व्यवस्था, रेला प्रोग्राम, गोटुल प्रोग्राम। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग तो हमसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं। हमारे यहाँ भी है करमा, ददरिया, बेरसा, बिलमा, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। गोटुल, हाँ गोटुल व्यवस्था के बारे में मैं पाना पारसीगत बता दूँ। गोटुल का मतलब होता है, गोख ना मतलब होता है एक विचार, गोख मतलब एक विचार होता है। टू शब्द यहाँ पर आया है स्थान के लिए, और ला शब्द आया है लखताल, दूर से, मतलब उस स्थान से हम दूर तक के विचार ग्रहण करने वाले हैं। वो एक स्थान से जो दूरगामी विचारधारा उत्पन्न करता है वो गोटुल होता है अपने लिए। गोटुल विचारधारा यही है, मतलब एक शिक्षा के लिए या शिक्षा के लिए है, एक उन्नत विचारधारा उत्पन्न करने के लिए गोटुल शब्द है अपना, हमारे लिए जो अब वर्तमान में स्कूल या पाठशाला के हैं इसके लिए। तो हमारे जो पूर्वजों ने है ये चीज़, मतलब पाना पारसीगत हम देखें तो गोक मतलब होता है विचार। अब स्कूल को अगर हम इंग्लिश या शाला को पढ़ें तो मुझे तो उतना जानकारी नहीं है हिंदी के बारे में, मैं बता नहीं पाऊँगा कि स्कूल का क्या मतलब होता है या फिर पाठशाला का क्या मतलब होता है। एक एक शब्द मतलब उसकी विस्तृत में जाए तो जानकारी नहीं है, लेकिन गोटुल में जाए तो एक विचार देने वाला स्थान होता है, दूर तक विचार ले जाने वाला स्थान जहाँ से अपन सीख कर जाते हैं, ये गोटुल है। उसी तरह से गोटुल से संबंधित सभी वो अपने चेला है, सभी हैं जो सहयोग करते हैं अपने गोटुल व्यवस्था के लिए। उसके बाद फिर वहीं से अपने कल्चर, संस्कृति, विचारधारा उत्पन्न होता है। उसके बाद फिर अपने अपने क्षेत्र को चुनते हैं गोटुल से ही उस, और अभी जो व्यवस्था है गोटुल में, जो शिक्षा की व्यवस्था है थोड़ा मतलब कम होते गया है, जिस कारण से अभी गोटुल भी समाप्त होने जा रहे हैं। पुनः हमारे जो सगा समाज है उनके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, नतीजा भी शायद उसका बेहतर ही मिलेगा, मुझे विश्वास है। आप भाषा से संबंधित, भाषा उत्पन्न संबंधित सभी समस्याएं हमारे आमने सामने बोल सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं भाषा के संबंध में। संजुवाड़ी हुआ दादा, गोकुल व्यवस्था पता नहीं, मैं हमने गोटुल व्यवस्था के बारे में मैंने बोला था। गोकुल के बारे में शायद हिंदी शब्द गाय पालन से संबंधित है। इसके बाद मैं अपनी जो विचारधारा कहना चाहिए वर्तमान स्थिति में थोड़ा समय कोविड-19 के बारे में बता दूं। आज कोविड-19 काफ़ी महामारी जिसे हम गोंडी में रसूड़ कहते हैं, यदि फड़ा रसूड़ आंदोलन ईद अगर अपनों तक अवतुन थे अपनों ना पिछना यानी मंदा ना यदि मुश्किल आशियाल अपनों ना तान साटी अगर अपनों ना जो घे बतीते सैनिटाइजर साबुन हिले ठूते अपनों पुरखा लो अपनों सीतोड़ कुम्मी ता डोहा कुम्मी बड़ा उंडी वाय था ताना डोहा टनसिंग अपन कैदे लाख से आले थे इपी अपना बताते जीवाणु सांस ही आता, मतलब जो कुम्भी का पेड़ के जो छाल से जो रस उत्पन्न करते हैं हमारे पूर्वजों ने पहले से करते आए हैं, जिसको अपन अगर हाथ में लगाए उससे पहले मछली मारते थे, आज भी मछली मारा जाता है हमारे सगा समाज के द्वारा, काफ़ी देखने में आया है। तो मैंने भी कई बार उपयोग किया है इसका, तो नुकसान तो नहीं है, शायद हम लोग उपयोग कर सकते हैं अगर हम गांव देहात में हैं, खेड़ा में हैं, और हमसे कहना चाहिए उस स्थिति में पहुंच गए अगर सैनिटाइज़र उपयोग करना है तो हम लोग
कुम्मी मड़ा का उपयोग कर सकते हैं। तो कुम्मी शब्द भी स्पेशल मछली के लिए ही बना है ऐसा लगता है। कुम्मी मतलब मीन को मारने के लिए, कम्मे की उछियान लाए मीन तुन। तो ये शब्द हमारे लिए बहुत अच्छा है कुम्मी। बड़े दादा शायद आपके यहाँ इसको कुम्मी कहते हैं या फिर हाँ कुम्भर लिख रहे हैं, कुम्भर, हाँ राइट, कुम्भर कहते हैं इसको, कुम्भर मड़ा जिससे अपन मछली मारते हैं। तो आप इसको हाथ में लगा सकते हैं तो ये वायरस ख़त्म तो कर देगा अनुमानता। तो ये आसानी से अपने गांव खेड़ा मिल जाता है अगर आपके पास साबुन या फिर कहना चाहिए सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है और महामारी का मतलब रसूल आ चुका है अपने यहाँ। मैंने उस समय में लगभग 90-93 में ऐसी एक रसूड़ वहाँ पर भमरागढ़ में देखा है जहाँ पर काफ़ी लोग कुंवर गुंडा के ख़त्म हुए थे। वैसे ही अपने मलमपुद्दूर के, फिर अपने निरपट झरन के, और उस तरफ काफ़ी कहना चाहिए वो शायद मुझे मालूम तो नहीं ये प्लेग था या फिर और कोई रसूड़ था। दीदी अपने एरिया में जो महिलाओं को नगर हल नहीं चलाने देते मिथक के रूप में ये माना जाता है कि इसको क्या कहें, अब मैं कमज़ोर तो नहीं कहूँगा मैं महिला शक्ति को, वो भी मतलब है कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ उनको महत्व देकर जो भारी काम है पुरुष के लिए उपयोग किया गया है ऐसा लगता है। मामा गोंडी पारसीता उत्पत्ति बस के संजू वाड़ीवाजी बोल रहे हैं पाना पारसी, हर जो प्रकृति की आवाज़ है वही पाना पारसी है जिसको हम लोग गोंडी भाषा भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा गोंड समुदाय द्वारा इस पाना पारसी को बोली जाती है। नेटवर्क समस्या थोड़ी हो रही है मुझे और मैं थोड़ी सी अपने कहना चाहिए अंत में समाज के जो आर्थिक स्थिति है तो इसके लिए आर्थिक स्थिति अपने सुधार के लिए सबसे पहले हमारी जो आवश्यकता है आवश्यकताओं को कम करें, ये एक अच्छा साधन है। हम दूसरों पर ना जाएं कि वो हमारी स्थिति के अनुसार ही वो अपने जो खर्च है वस्तुएं हैं उपयोग करें। मान लो हम लोग अगर एक सब्जी में खड़ी मिर्ची 5 खा रहे हैं तो अपन 4 कर सकते हैं, एक मिर्ची बचा सकते हैं, इस तरह से अपन कर सकते हैं। अपने जो आर्थिक स्थिति है गोंड समुदाय की सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आलसी तो नहीं कहूँगा मैं कि मतलब मनमौजी कह सकते हैं कि जो पहले जो परंपराएं चले कि मतलब खाना है कमाना है, कमाना नहीं खेती करना है, उसके बाद बढ़िया नाच गाना करना है। नाच गाना बहुत ज़रूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो जो कमज़ोर हो जाए। तो आर्थिक स्थिति के लिए सबसे पहले अपने को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी आर्थिक स्थिति सुधारना। हम समझते हैं कि कैसी स्थिति से हम लोग गुजरे हैं, इस चीज़ को एक एक रुपये की कीमत ऐसी स्थिति में उत्पन्न होती है जब कहीं से अपने को 50 पैसे तक उपलब्ध नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़ कि जो हमारे सबसे पहली चीज़ जो एक खाने के साथ एक रोटी कम खाएं लेकिन हम अपने बच्चों को बेटियों को अवश्य पढ़ाएं। सबसे ज़्यादा तो बेटी को पढ़ाई के रूप में ज़्यादा प्रोत्साहन करना चाहिए। सामाजिक रिवाज है, अपने मिजान है, व्यवस्था, इसके बारे में समझाना चाहिए क्योंकि बेटी दो घर को संभालती है, अपना मायका भी संभालती है और ससुराल भी संभालती है। हमारे समुदाय में काफ़ी देखा जा रहा है कि मतलब हमारे जो बेटियां हैं हमारे पास ज़मीन जायदाद है, दूसरों की नज़र एकदम गिद्ध के समान नज़र डाल के रखते हैं, जैसे मौका मिला वैसे ले उड़े। कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी है कि हम लोग उनको हमारे बेटियों को सामाजिक नेंग सेंग मिजान से हम लोगों ने दूर रखे हैं, हम लोगों ने उस चीज़ के बारे में बताया नहीं है जिस कारण से वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाती है। वर्तमान में मतलब अंतरजातीय विवाह है, सबको ये चीज़ मतलब हर जगह आपको मतलब आपको कहना चाहिए, एक शॉर्टकट में कहें तो पड़ोसी भी इस चीज़ को बता देगा कि अपनी बेटी को आजकल तो अंतर जाति विवाह का प्रचलन है। तो इसमें कहना चाहिए
अंतर जाति हुआ कि ये सब सभी कोई को मालूम है, तो आसानी से हमारे जो समाज के क्या कहें उसको, सामाजिक लिंग सिंह मिजान व्यवस्था और कम पढ़े लिखे हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, दूसरे की चालों को, दूसरे के चालों में फंस कर वे विवाह कर दूसरे समाज में जाकर विवाह कर लेते हैं, जिससे उनकी नज़र हमारे बेटी पर तो पड़ी उसके बाद हमारी ज़मीन पर पड़ जाती है। पढ़ जाती है इसमें तो ज़्यादा बेहतर हो कि हम लोग हमारे बहन बेटियों को ज़्यादा शिक्षित करें, बेटों को शिक्षित करें, दो रोटी कम खाएं, शिक्षा का स्तर बनाएं। गोटुल हमारे संजय दीदी बोल रही है गोटुल व्यवस्था देखने में नहीं आया है, कोशिश करें गोटुल की स्थापना करें। दीदी मैं तो चाह ही रहा हूँ कि मेरे यहाँ एक गोटुल स्थापित करूँ, जिससे हम लोग जहाँ भी इधर उधर घूमने ना जाएं, गोटुल में बैठकर हम लोगों को जानकारी दें, हमें जो भी जानकारी है वो चीज़। हमारे यहाँ काफ़ी दीदी साथ में अन्य चीज़ कहना चाहिए, देवी देवता भी समाहित हो चुके हैं धीरे धीरे, जो इन चीज़ों का मतलब मान लो अगर 100 के जनसंख्या तो 5 लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में चोखो है, देवी देवता के मामले में चोखो कहे तो प्योर है, जो पुणे पर निर्धारित लिंग सिंह मिजान पर चल रहे हैं, और बाकी हैं तो सभी मतलब 33 करोड़ देवी देवता कहें तो जिनको लाकर बिठा लिए हैं, कि दक्षिण में अलग पूजा पाठ करेंगे, पश्चिम में अलग पूजा पाठ करेंगे, उत्तर में अलग पूजा पाठ करेंगे, दक्षिण पश्चिम में अलग पूजा पाठ, हर तरफ की पूजा पाठ कर दिए और डेट वाइज जन्मतिथि अलग मना रहे हैं, मतलब और हर मतलब पड्डुम पुला में जब हमारे जैसे पुला पड्डुम है, हमारे जीवती है आज, हाँ जीवती शब्द एक समझ आया, जीवती शब्द हमारे सबसे ज़्यादा लिंग सिंह मिजान को व्यवस्थित रूप से रखा है, जिसको हम आज हिंदीगत रूप में हरियाली के रूप में कहा जा रहा है हरियाली, जबकि मतलब हिंदी शब्द है, हम अगर उसी को जीवती कहें तो ज़्यादा बेहतर है। जीवती एक बच्चे के जन्म से लेके एक इंसान के मरण तक के लिए मतलब तैयार किया गया है, जीवती पड्डुम को एक बार समझने की हमको ज़रूरत है। वैसे हर एक त्यौहार और एक शब्द को अगर हम लोग डिटेल जाए तो काफ़ी मतलब लंबी बात हो सकती है। सलामी दादा पूछ रहे हैं आर्थिक सुधार कैसे होगा। सलामी दादा एक बस छोटा सा उदाहरण है कि हम जहां हम 5 मिर्ची खा रहे हैं वहां से 1 मिर्ची हम बचा के रखें और 4 मिर्च से ही हम सब्जी बनाएं, तो 1 मिर्च ऐसे 5 दिन का 1 मिर्च हमारा 1 दिन चल सकता है। मैं यही कहूँगा, एक छोटा सा उदाहरण है मेरे लिए। और दूसरी चीज़ कहना चाहिए और मैं क्या सुनाऊँ आपको, और कहना अंत में मैं कहूँगा हमारे बड़े दादा हैं और नेताम दादा हैं, किशोर नेताम दादा हैं, और हमारे गोंडवाना दर्शन के जितने भी सगा हैं और जो अभी का इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम सबको मौका दे रहे हैं बोलने के लिए। मैं तो अभी तक के किसी कहना चाहिए हमारे समाज के महान व्यक्ति के साथ मिला नहीं हूँ, लेकिन बड़े दादा हैं जो मुझे फेसबुक के माध्यम से आप सबके समक्ष रखे हैं। मैं कहना चाहिए सगा सगुम के मैं हमारे कहना चाहिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोगों के साथ मुझे मेरी चर्चाएं फ़ोन से हो जाती है, लेकिन मैं कभी भी व्यक्तिगत नहीं मिला हूँ, ना मैं कभी किसी बैठक में गया हूँ। वैसे मैं बड़े दादा से भी कई बार मिलने की कोशिश किया हूँ कि मैं एक बार अपने कहना चाहिए जन्म स्थान को पुनः देख के आऊँ, लेकिन समय ऐसा है कि मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं निकाल पाऊँ और कभी उस एरिया में जाऊँ और पुनः मैं वहाँ पर मैं अपनी यादों को ताज़ा करूँ और पुनः मैं अब कहना चाहिए उन चीज़ों को खाऊं जो मैं बचपन में देखा हूं, वहां के कल्चर सीखूं, मैं वहां के मतलब कहना चाहिए हर चीज़ को मैं अपने करीब से देखूं, बचपन में देखा मैंने, लेकिन अब जो है वास्तविक में जो उपयोग करूंगा। बड़े दादा कभी ना कभी मैं ज़रूर आऊंगा उस क्षेत्र में, तो आभारी मैं आप लोगों का आभारी हूँ जो हम आपने हमको सभी हमारे अच्छे मतलब
संजय दीदी है, प्रकाश सलामी साहब है, वरिष्ठ जितने भी हमारे सगा हैं समाज के, सामाजिक गणी जिनसे हमारी मुलाकात हुई, और हमारे सुनेर सिंह ताराम दादा, मैंने सुना है जैतपुरी से हैं, लेकिन मैं उस जैतपुरी से नहीं हूँ, लेकिन उस जैतपुरी में काफ़ी गया हूँ, गढ़ी जैतपुरी, वहाँ पर बैठा उठा हूँ परिवार में, ताराम परिवार में। तो मैं उन पुनः उस पेन जीवा का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तलासार सेवा जवाहर इन ओन। और बस बाकी इतना ही काफ़ी है। अब और कोई अगर दोस्त कोई हमारे सगा पूछ लें कोई विचारधारा। दीदी पाठ पीड़ा पूछ रहे हैं नजर एक दूसरी। पाठ पीड़ा दीदी गांव के बाहर, शायद गांव के बाहर होता है, और हमारे गांव के अंदर 12 पेन होते हैं, जो खिला मठुआ, फिर खिला मठुआ, माता माई, दाना दाई, इस तरह से हमारे 12 पेन होते हैं, जो गांव के मतलब मिंडो पेन कहलाते हैं, नार पेन। और पाठ पीड़ा हम गांव के बाहर, मतलब जो बाहर रोग राई है इनके लिए रखते हैं। शायद हम अगर गांव से बाहर जाते हैं तो बारह भाटी बंगाली के बजाय हम पाठ पीड़ा को कोया फूल चढ़ाते हैं, कोया फूल के साथ पानी चढ़ाते हैं, या फिर कल्लू, कल्लू मीन्स डारंगा, डारंगा मीन्स हिंदी में कहें तो दारू। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं पहली बार आप लोगों के बीच में आया, मौका मिले तो दोबारा भी अगर बड़े दादा ऐसे चाहें तो मैं पुनः आप लोगों के बीच में आऊँ कोई एक सब्जेक्ट लेकर। बेहतर हो कि मैं पाना पारसी को ही लेकर आऊँ और अच्छे से गहराई से इसको और जान सकूँ, आप लोगों की समझ रख सकूँ समक्ष। बड़े दादा तो मैं ठीक है यहीं पर अपने शब्दों को विराम करता हूँ। पुनः मैं अपने कहना चाहिए आए सगा समाज को सेवा जवाहर करता हूँ। हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, हम लोग अव्वाल बावल एक आश्चर्यचकित शब्द का उपयोग करते हैं, अबबू। अबबू शब्द एक हमारा आश्चर्यचकित जैसे शब्द है, जैसे हे भगवान, हे राम, हे प्रभु, हे यीशु, हे अल्लाह, लोग कहते हैं वैसे हम अबबू। अबबू का मतलब होता है हाँ मेरी माँ, हाँ मेरे पिता, अव्वाल बावल अबबू। हम लोग प्राय उपयोग ये शब्द करते हैं अबबू, इसे काफ़ी कल गई मजाक के तौर पर देखा जाता है कि अबबू शब्द उपयोग कर रहे हैं। दादा सेवा जोहार अनना हंतोना मिवला वल्ले वल्ले चौकट अयदु नरकाई उंडे। सेवा जोहार दादा, बड्डे दादा, दीदी सेवा जोहार, आए सभी सलामी दादाजी सेवा जोहार, और भी मेरे